हम दीनापुर को एक्सप्लोर करने निकले हैं। एक छोटा सा रास्ता जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, बस हम जा रहे हैं। बीच बीच में रेत पड़ी है, सो राइडिंग कंडीशन थोड़ी टफ हो गई है, बट ये देखिए ऊँट। तो हम क्या कर रहे हैं, पैर नीचे रख के और थोड़ा धीरे धीरे पहले गियर पे निकाल रहे हैं, तो निकल जा रही है, इसलिए रेत में फंस नहीं रही है। ये तो टफ पड़ेगा, फंस जाएगी यहाँ। रियल एडवेंचर गाइस, देखो सैंड डून्स में हम चला रहे हैं। ये पूरा केदारनाथ वाला याद आ फील आ गया हमें, बुद्धा केदार जो हम गए थे, पूरा रेत में, पर वहाँ पे कीचड़ थी, स्लस था, यहाँ पे रेत है। गाइस ये छोटा सा गांव दिख रहा है, यहाँ पे जाते हैं, कुछ खाते हैं। यहाँ पे हालत तो पूरी ख़राब हो गई है, सैंडोर में चलाते जाते हैं, पूरी स्किट कर रही है बाइक। बस हमने ऑलमोस्ट पार कर ही लिया है। गांव का नाम कौन सा है? उधेड़ा। गाइस अभी हमने एक शॉर्ट प्लान बनाया है, अभी हम सरासू में बालाजी जा रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे आज, और उनके दर्शन हो सके तो आपको भी करवाएंगे। अगर देखते हैं रिकॉर्डिंग कर पाते हैं कि नहीं, क्या होता है, कैसा है, वो आपको आगे आपको पता चलेगा। सुनने में आया है कि दिनारपुर से बालाजी अराउंड 35 से 40 किलोमीटर के आसपास है, और डिपेंड करता है रोड कंडीशन कैसी है, क्या है, वो आप देख लोगे। अभी चलते हैं हम बालाजी और उसके दर्शन भी आपको करवाएंगे। सो गाइस सारेसर बालाजी यहाँ से अराउंड फतेहपुर शिखर से वहाँ 40 किलोमीटर पड़ता है सारेसर बालाजी, और ये पूरा हाईवे वहीं जाता है, तो हम इस पर चल दिए हैं। रोड ऐसे देखो, चारों तरफ रेत ही रेत, डोडी डोडे हैं, यहाँ पे रेत के टीलों को डोडे कहते हैं, तो डोडे डोडे होते हुए सीधा सारेसर बालाजी जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम सारेसर बालाजी पहुंच गए। ये सारेसर बालाजी की पार्किंग है, यहाँ पर अपनी बाइक लगा दी हमने, और आप भी यहाँ पे आओ, कभी आओ तो यहीं पे पार्किंग है, पार्किंग पर बाइक पार्क कर दो या गाड़ी पार्क कर दो, उसके बाद पेड़ पार्किंग है। पर उसके बाद हम अभी जा रहे हैं दर्शन करने। तो सर सारेसर बालाजी किस लिए फेमस है, कुछ बताया तो बताइए। वैसे तो ये हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ पर शायद लेटे हुए हनुमान जी हैं। नहीं, लेटे हुए हनुमान जी इलाहाबाद में हैं। तो एक बार हम अंदर जाकर के वेरीफाइड करेंगे। ये मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी को ज्यादा पता है, ज्ञानी जी है काफी, पंडित जी हैं, पंडित तो ज्यादा ज्ञान है, लेकिन हम आकर के वापस बताएंगे कि अंदर किस लिए फेमस है। अभी तक हम अभी हम यहाँ पर अभी जाते हैं अंदर, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, फिर आपको शेयर करते हैं। तो चलो अभी हम दर्शन करके आपको खड़ी गंबा। सो गाइस मेरे ठीक पीछे सारेसर बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने, दर्शन करके आपको मिलते हैं। भोजनालय में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। ये बालाजी के पार्किंग के जस्ट सामने ही भोजनालय है, वहाँ पे हमने पराठे ऑर्डर किए, आलू प्याज के पराठे। पराठे में थोड़ा मिर्च ज़्यादा था, पर हमने एक स्पेशली कह के उनको एक बिना मिर्च वाला पराठा मंगवाया और चाय पिए, तो अब हमारा पेट भर गया। उसके बाद हम दिनारपुर बाबूलाल के घर जाते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्लान आपको बताते हैं क्या करेंगे। आज मेरा ऑफिस भी है, बट इवनिंग में देखते हैं
ऑफिस मैनेज करके फिर कल हम दिल्ली जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो आपको अपडेट करते रहेंगे।